राशिद अल मखदूम उस शख्स का नाम है जिसे दुबई का मेमार भी कहा जाता है। वो शख्स जिसने रेगिस्तान की रेत में एक अजीम व शान शहर तामीर कर दिया, जो आज के दौर में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। पूरी दुनिया से लोग वहाँ टूरिज्म के लिए आते हैं। दुबई में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने इवेंट्स करती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। दुबई का शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जाता है। आज से कुछ साल पहले ये दुबई रेत के टीलों से घिरा हुआ एक बयाबान के अलावा कुछ न था, लेकिन फिर रेत के इन टीलों ने तरक्की की और दुबई कहलाने लगे, जहां दुनिया की बुलंद बिल्डिंग्स तामीर की गई जिनमें सरे फहरिस्त बुर्ज खलीफा आता है। वहीं इस रियासत में कहने को तो इस्लामी कवानीन नाफिज हैं, लेकिन ये रियासत बहुत सारी बेहियों का शिकार हो गई। आखिर वो बेहियाँ कौन सी हैं और पूरी दुनिया से भाग भाग कर लोग दुबई ही क्यों जाना चाहते हैं? जिन लोगों ने अभी तक दुबई नहीं देखा, इन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जिन्होंने दुबई देख लिया है वो भी लाजमन हमारी बातों से इत्तफाक करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, दुबई को जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया गया है। इस शहर की बुनियादों में ये पॉलिसी रखी गई थी कि इस शहर को दुनिया भर के लोगों के लिए अय्याशी का मरकज बनाया जाएगा। ख्वाह आप किसी भी रंग, नस्ल और मजहब से क्यों ना हो, दुबई में आपको अय्याशी के लिए मुकम्मल सहूलियात मैसर हैं। और ख़ासतौर पर दुबई में यूरोपियन वर्ल्ड को टारगेट करने के लिए अय्याशी का सामान मैसर किया गया है, क्योंकि पूरी दुनिया का पैसा इस वक्त मगरब में मौजूद है। चाइना, कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज़ में दुनिया का अक्सरियती पैसा मौजूद है, इसलिए वहाँ से लोग जब सैर व तफरी के लिए दुबई आते हैं तो अगर उनको अपनी अय्याशी का सामान मैसर ना हो तो वो दुबई नहीं आएंगे, बल्कि दूसरी रियासतों में जाएंगे। इस पॉलिसी को शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने अपनाया और दुबई को बहुत ही कम वक्त में आसमान की बुलंदियों पर ले गया। आज दुबई के अंदर शरई कानून का नफाज है, यानी इस्लामी कवानीन के मुताबिक ही दुबई में फैसले किए जाते हैं। लेकिन क्या दुबई एक रियासत होने की ऐसे से शरई है? बाजार किताबों में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात की जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी दुबई में आपको बरहना बीचेस भी मिल जाएंगे, और वैसे बीचेस जिस तरह के बीच आपको यूरोप में मैसर नहीं, लेकिन दुबई के साले समंदरों पर मगरबी दुनिया के लिए अय्याशी का मुकम्मल सामान मौजूद है। अगर बात की जाए अल्कोहल की तो दुबई में शराब बआसानी दस्तियाब है और लोग बआसानी शराब खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन इसमें एक कानून जो किसी हद तक बेहतर भी है इसको नाफिज किया गया है। वो कानून इस तरह से है कि अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप शराब को कानूनी तरीके से नहीं खरीद सकते। शराब के असूल के लिए आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और आपके पास दुबई गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ एक अदद अथॉरिटी लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो शराब खुलेआम फरोख्त की जाती है और बगैर किसी रोक टोक के लोग खरीद कर पी सकते हैं। कानून में अगर कुछ भी लिखा है तो वह सिर्फ इस गर्ज से लिखा है ताकि दुबई को एक शरई रियासत साबित किया जा सके, लेकिन कानून लिखने में और इन पर अमल करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुबई एक ऐसी इस्लामी रियासत है जिसमें पोर्क रेस्टोरेंट बआसानी मिल सकते हैं, यानी सुअर के गोश्त के रेस्टोरेंट हर जगह पर मौजूद हैं। सुअर जो कि इस्लाम के मुताबिक इंतहाई नापसंदीदा जानवर है, और साथ ही खाने के लिए इसे मुकम्मल तौर पर हराम किया गया है, यानी इसको खाने से मना फरमाया गया है। इसके बावजूद एक इस्लामी रियासत में इसकी खरीदो फरोख्त और इसके रेस्टोरेंट्स को खुलने देना दुबई की हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि वो खुद को शरई भी कहलवाता है और ऐसी गैर इस्लामी चीज़ों की फरोख्त पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं है। दोस्तों, अगर बात की जाए शरई रियासत के हुक्मरानों की दौलत और उनकी ज़ाती लाइफस्टाइल की, तो कोई भी खुदा तर्स हुक्मरान जो अपनी रियासत को इस्लामी तर्ज पर चला सकता है, उनकी निजी ज़िंदगी भी बिल्कुल इस्लामी शरीयत के मुताबिक होती है। लेकिन अगर आप दुबई के हुक्मरानों, खुसूसन उनकी औरतों की निजी ज़िंदगी देखें, तो वह बिल्कुल भी इस्लामी कवानीन के मुताबिक नहीं, जिन पर कई सवालिया निशान उठाए जा सकते हैं और अक्सर लोग उठाते भी हैं। अगर दुबई में मौजूद क्लब्स और पब्स की बात की जाए तो क्लब्स और पब्स एक इस्लामी मुआशरे और एक ऐसी रियासत जिसमें कहा जाए कि वहाँ पर इस्लामी कवानीन का नफाज है, वहाँ पर इन क्लब्स की कोई भी गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि यह तमाम मगरबी दुनिया का कल्चर है और इन्हीं के मजहब के अंदर इन चीज़ों की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन इस्लाम में ऐसे फाशी के अड्डों की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जहाँ पर आप लाउड म्यूज़िक के साथ नाच गाना करें और शराब व शबाब की महफिलें जमाएँ। लेकिन दुबई के अंदर ये चीज़ें बहुत ही कॉमन समझी जाती हैं और जगह जगह ऐसे क्लब्स मौजूद हैं जहाँ पूरी दुनिया के लोग टूरिज़्म के नाम पर अय्याशी करने आते हैं। दोस्तों, अगर बुराई की बात की जाए तो बुराई ही बुराई को जन्म देती है, क्योंकि बुराई एक ऐसी चीज़ है जो अपनी जगह पर ख़त्म नहीं होती बल्कि आगे बढ़ती जाती है। और दुबई को देखकर इर्द गिर्द के मुस्लिम रियासतों ने इस पॉलिसी को अपनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हें लगने लगा है कि इस पॉलिसी के तहत ही वो अपनी मौशियत को आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकते हैं, जैसे दुबई लेके गया है। इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी सऊदी अरब के अंदर इस तरह के अय्याशी पर मबनी शहर बसाने का फैसला किया है और न्यूम शहर के नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 500 बिलियन डॉलर है, जो कि पाकिस्तान के 10 सालाना बजट से भी ज़्यादा पैसा है। और इन पैसों से एक शहर बसाया जाएगा
जिसमें कोई भी शरई कानून का इतलाक नहीं होगा, यानी वो शहर जदीद शहर के नाम पर एक अयाशी का अड्डा होगा और पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आकर उनका जो दिल चाहेगा वो कर सकेंगे। मोहम्मद बिन का ये ख्याल है कि ऐसा करने से वो सऊदीया की गिरती हुई मआशत को संभालेंगे, लेकिन दोस्तों इस्लाम के असूल तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला के किए गए वादे इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये अपने आप को धोखा देने की बातें हैं कि हराम रस्ते पर चलकर वक्ती तौर पर तो मालो दौलत से मुआशत को संभाला मिल सकता है, लेकिन हकीकत में इस मालो दौलत का हिसाब कबर में देने के साथ साथ दुनिया में भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी रियासतें हमारे सामने ख़त्म हो चुकी हैं जिन्होंने हलाल और हराम में फ़र्क छोड़ दिया था। और बिल्कुल इसी तरह ही सऊदीया में लिबरलिज़म को प्रमोट किया जा रहा है। इस फैसले की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि वो सरजमीन जिस पर मक्का मदीना मौजूद है, वो सरजमीन जहाँ से इस्लाम फैला था, क्या इस सरजमीन पर खुलेआम ये बेहयाई और बेशर्मी वाले काम होंगे? इसी सरजमीन अरब जिसमें रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को ख़त्म किया था, वहाँ पर इमारात के बादशाहों ने मंदिर और गिरजाघरों की तामीर करने की खुली इजाज़त दे दी है। लेकिन हज़ारा साल की तारीख हमें बताती है कि इन बुतों को जितनी बार मर्जी तामीर किया जाए, एक मोहम्मद बिन कासिम ज़रूर आता है जो इन बुतों को गिराता है और वहाँ मस्जिदें तामीर करता है। यही हाल अब इन अरब इमारात के साथ भी होगा अगर वो इन कामों से बाज ना आए। इन बादशाहों को गौर करना चाहिए कि वो तरक्की के नाम पर किस अंधे कुएं में गिर रहे हैं, और ये तरक्की अल्लाह और इसके दीन की राह में बिल्कुल भी तरक्की नहीं है, बल्कि ये सरासर बेहयाई है। क्योंकि वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी की तहजीब को देखे तो इसको अपना ले और फिर तरक्की के नाम पर इस बेहयाई को फ़रोग दे। इसके बरक्स हमें चाहिए कि इस्लामी तहजीब और इस्लामी मुआशरे को फ़रोग दें, जिसे देख कर कुफार मुतासर हो सकें और हमारी शख्सियत और हमारा मुआशरा उनके लिए मुतासर को न हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।